मच्छी लेके आ गए हैं कुम्हराट में। पोस्टमार्टम शुरू किया जाए। देखना मच्छी पकड़ना शलवार की तरफ हाथ चला गया था। इसकी एक खास टेक्निक है, मतलब मेरे को पता चला था तालाब से निकाल के ऐसे खा जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हम नादिर भाई, कैसे हैं आप? कैसे हैं? ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। नादिर भाई, अच्छा आपसे ही बात हुई थी। बिल्कुल बिल्कुल, वेलकम टू खानाबदोश ग्लैम्स। थैंक यू सो मच भाई जान। ट्राउट उछली है और अल्लाह आपका भला करे। ये देखिए ताज़ी ट्राउट ले आया हूँ, ये दिखाएं भाई। कुछ बोल रही है मछली। बहरहाल काम शुरू करते हैं भैया। मछली कहाँ काटनी है? मछली उधर का। उधर आ जाए, आ जाए। पोस्टमार्टम शुरू किया जाए। अरे अरे अरे, ले आओ भाई ले आओ, पानी में डालो, फिर से पानी में डालो। तेरी खैर पुदकरी, ये ताज़ी मच्छी है भाई। बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर। अरे भाई देखना बदरिया में ना चली जाए, बस बाकी खैर है। देखना मच्छी पकड़ना शलवार की तरफ हाथ चला गया। चले जी, फाइनली मुंडियां काट दी हैं तीनों की, चारों की, और सफाई भी कर ली है अंदर से। अब ये भाई इसको ग्रिल में लगा रहे हैं। इसको कोई टेक्निक होती है खोल के लगाने की? कोई क्या होता है सिलसिला? अच्छा इसमें मसाला कौन से लगते हैं, क्या सिलसिला है इसमें भाईजान? ये ट्राउट है, इसमें सिर्फ लगता है थोड़ी सी लाल मिर्च। अच्छा, नमक बस, बाकी कुछ भी नहीं लगता। अच्छा, इसका अपना जायका बरकरार है। जायका बरकरार होता है। ज्यादा अगर आप इसके अंदर छेड़छाड़ उंगली करेंगे तो वो फिर कुछ कुछ की कुछ बन जाएगी, और वो है आपको ट्राउट का एक्सपीरियंस ही नहीं मिलेगा ऐसा। हाँ, थोड़ी सी मेरा ख्याल है ये। अली भाई जरा छुरी मारो यहाँ से। हाँ, इसकी एक खास टेक्निक है। किधर गया कैमरामैन? हाँ ये रहा। अबे कहाँ उछल के तू, पांडे के बच्चे कभी यहाँ से यहाँ आ जाता। इसकी एक खास टेक्निक है, अल्लाह आपका भला करे खोलने की, जो कि मुझसे नहीं खुली है, कि भाई से ही कहूँगा भाई खोले आप। आपको आती है? नहीं नहीं, वो जुबैर ही करते हैं। आपको क्या आता है इसके अलावा? मैं बस बातें करता हूँ। इतनी करीब आके बातें ना करें कहीं हमें प्यार ना हो जाए आपसे। ये तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। आप फिर आया करेंगे इधर बार बार। भाई आप कुम्हराट आए तो इनके विजिट करें। ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है बाय द वे, ये मोहब्बत में हो रहा है जो भी हो रहा है। बिल्कुल ऐसी। आपने कोई डॉलर तो नहीं दिए ना मेरे को? नहीं, डॉलर नहीं दिए, ये सब मोहब्बत में हो रहा है। अच्छा अच्छी बात ट्राउट की ये है कि जो इसके कांटे है ना वो भी आप खा सकते हैं। खा सकते हैं, वो भी डिस्पोजिबल हो जाते हैं जब पकने के बाद ना, बड़े रुई हो जाते हैं। मैंने सुना है यहाँ पे कच्ची भी खा जाते हैं ट्राउट। कच्ची खा जाते हैं बड़ी वर्स्ट सिचुएशंस में, लेकिन अच्छा वो... कच्ची आपने भी खाई है? नहीं मैंने नहीं खाई कच्ची, मतलब मेरे को पता चला था तालाब से निकाल के ऐसे खा जाते हैं, ऐसा नहीं है? तो हो सकता है ये बातें ऐसी मशहूर हुई हुई है, सुनने में आई हुई है। ये पीछे कर दूं, ये हो गया इसका काम, ये हो गई ये पीछे ट्राउट। ये अब ट्राउट पे लगाएंगे हम मसाला जात। नादिर भाई जब ये साइड की कंस्ट्रक्शन हो रही थी ना, हाँ तो हमारे नाश्ते होते थे ये। अरे वाह वाह वाह, रोजाना? रोजाना मैं कह रहा हूँ, ट्राउट अगर आप रोजाना खा रहे हैं ना तो ऐसा फौलाद हो जाएंगे ना आप। सही बात, आपकी सोच, मतलब मैं आपकी बाकी की शादी हुई भी है? नहीं अभी नहीं हुई। मैं कह रहा हूँ एक साथ दो तीन कर लीजिएगा। आपने ट्राउट बहुत खाई है। बस उससे पहले मैं दो तीन महीने मसाला दूँ? मसाला तो भाई मसाला, अल्लाह आपका भला करे। हाँ थोड़ा सुखाना था। हाथ सुखाना है? हाँ जी। किस चीज़ से लाओ? फूक लगाना है ना? आज फूके मारो। आप एक काम करो, हाथ धो के आओ, मैं लगा दूँ। आप लगा दे मसाला, दोपहर बता देना बस। आप ले आओ, हाथ धो के आ जाओ। मेरा ख्याल है ये बताइएगा, क्योंकि मसाला इन्होंने कहा है ना कम, तो ज़रा एक दफ़ा देख लेना। हाँ ये बहुत सही है। ये जुबैर भाई मसाला देख लो, काफ़ी है और निकालूँ? बस सही है भाई, देख लें काफ़ी है, कम लग रहा है मुझे। कराची वाले स्पाइसी खाते हैं, स्पाइसी खाते हैं, फिर थोड़ा और डालो। समझ रहे हैं बात को? असल में हम लोग वो, हम पे वो मिसाल बनी है, मुँह की मज़ा वहाँ की सज़ा। अच्छा समझ रहे हो बात को? नादिर भाई नमक भी इसमें, नमक भी इसी में, नमक बिल्कुल हसबे मामूर, हसबे जायका।
मेरा ख्याल है नमक कम खाते हैं तो काफ़ी है, बहुत कम है ये तो, थोड़ा सा और डाल दें। हाँ जी थोड़ा और डाल दें, ये हो गया। चलो कराची आना हुआ है आपका? नहीं यार। हैं कब आएंगे कराची? इरादा तो है सर, हैं इस सर्दियों में इन्हें लेके आएंगे। मैंने आप लाहौर से? मैं इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद से बर्गर बच्चे हैं आप? नहीं, कोशिश कर रहे हैं बनने की, लेकिन अभी तक इस्लामाबाद ही बन नहीं सके। देखिए हर शहर के लिए किसी ने कुछ ना कुछ कहा है। नहीं, जिन्हें लाहौर नहीं वेखिया और जमिया नहीं, जिन्हें गुजरात नहीं वेखिया और रजिया नहीं, जिन्हें मुल्तान नहीं वेखिया और सड़िया नहीं, जिन्हें कराची नहीं वेखिया और मरिया ही नहीं, और जिन्हें पिशावर नहीं वेखिया चंगा किता। नहीं नहीं भाई मजाक कर रहा हूँ, बहुत सारे पठान भाई मेरे नाराज हो जाते हैं इस बात पे। मैं अभी पिशावर से ही आ रहा हूँ, समझ रहे बात को? जिन्हें पिशावर नहीं वेखिया वो चंगा कह नहीं किता। मसाला लगा रहे हैं भाई, और बड़ी मोहब्बत से बड़े प्यार से लगा रहे हैं। नई नवेली दुल्हन के ऊपर जो समझ लें ऐसा लग रहा है कि मेकअप ऊपर हो रहा है। अच्छा नादिर भाई, हम लोग जो निकलते हैं वहाँ से लग्जरी रिजॉर्ट बुक कराते हैं और वो सारे मामलात वेटर आगे सर्व करते हैं, आप वैसे वो प्रेफर करते हैं या ये जो एक्सपीरियंस है खुद मछली पकड़ना, खुद बनाना और मतलब पर्सनली अपने लिए? नहीं नहीं, मैं ऑफ कोर्स यही प्रेफर करूँगा, क्योंकि देखें ट्रैवलिंग का असूल है कि ट्रैवलिंग में आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। बिल्कुल ऐसी, आप सारा ज़िंदगी घर में बैठे हो, नौकर चाकर आपको सर्व कर रहे हैं, घर में आपके घर वाले सर्व कर रहे हैं, इधर उधर आप बेड पे लेटे हो, बेड टी मिल जाती है, तो ट्रैवलिंग में ऐसा नहीं होता। 180 डिग्री चीज़ें चेंज होती हैं। ट्रैवलिंग में बंदा यही चीज़ एक्सपीरियंस करे, इंजॉय करे, समझ रहे बात को, ये खुद कुकिंग करे। देखें ये वो चीज़ें हैं जो हम अपने शहर में इंजॉय कर नहीं पाते, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। वहाँ में कराची में हम मतलब सर खुजाने का टाइम नहीं होता खासा, इतने बिजी होता है, समझ रहे बात को। कोयले भिजाते हैं, कोयले की आँच ठीक है? आँच सही। लेकिन मौजूद खवातीन हजरत आँच बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इतना तजर्बा मुझे भी है कि आँच ज़्यादा हो तो चीज़ की मैया ठुक सकती है, ऐसा ही है। तो आँच का आप कम से कम रखें और बड़ी मियारी आँच रखें तो ज़्यादा बेहतर है। ये क्या चीज़ है? ये सी है कोयले से। अच्छा 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 अच्छा, और ये अपना हबीब क्या हिसाब मिली है भाई? 3500 रुपये किलो के हिसाब से मिली है, बड़ी महंगी है। और ट्राउट महंगी होने की क्या वजह है? ट्राउट महंगी होने की ये वजह है कि ट्राउट आम बंदा पकड़ नहीं सकता, जैसे दरिया का फ्लो इस तरफ है तो ट्राउट अप हिल जाता है। हाँ जी हाँ जी, अपोजिट जाती है, अपोजिट डायरेक्शन। ये बहुत ताकतवर मछली है, बिल्कुल ऐसी है। तो अगर इस साइड मछली आ रही हो तो किसी भी जाल में मछली आसानी से फ्लो में फंस सकती है, लेकिन ऊपर जाते हुए वाली मछली को पकड़ना बड़ा टेक्निकल काम। और इसकी क्वान्टिटी भी कम है। बिल्कुल, ज़ाहिर है जो चीज़ मकदार में कम होती है वो चीज़ नायाब भी होती है, महंगी भी होती है। 3500 रुपये किलो की आई थिंक मैं समझता हूँ दम्बुख भी जो है वो इससे सस्ता है, वो 2200-2400 रुपये किलो के हिसाब से मिलता है। तो ये तो मोस्ट एक्सपेंसिव डिशेस। क्या ख्याल है जुबैर भाई? बस रख दें भाई जान, कोयले भी रेडी है। हाँ हाँ, इसको बस चलो भाई, कोयले फाइनली रेडी हो गए हैं और इसको ट्राउट जा रही है कोयले की आँच पे। इसको सेट कर लें अपने हिसाब से। सही आँच, हल्की आँच पे इन्होंने रोक दिया, हल्की आँच पे चीज़ पके तो वो ज़्यादा टेस्टी होती है ना। तो अब ये है कि कितनी देर में पक जाएगी ये? तकरीबन 15-20 मिनट तो लेगी। अच्छा 15-20 मिनट। ट्राउट पक के सुकड़ रही है। मैंने आपको जैसे बताया था कि वो कई की छोटी हो जाती है थोड़ी सी, मेरे ख्याल है काफ़ी हद तक 70% तो पक गई है। सर्विंग की मेरा ख्याल है तैयारी करवा। हाँ हाँ बताएं, तकरीबन हो गई है जी। हाँ जी, और इसको हम उतार रहे हैं, अल्लाह आपका भला करे। इसको खोलें, प्लेट निकालें, बिस्मिल्लाह करें। बिस्मिल्लाह, पहली ट्राउट आ गई है और ये मैं आपको चख के जेन्युइन रिव्यू दे रहा हूँ। क्या ख्याल है? जो बात सच्ची बता रहा हूँ, मसाला कम ही लगाएं क्योंकि इसकी जो ओरिजिनल वो है ना ब्यूटी
वो इसी में। तो फाइनली ट्राउट बना ली है और अच्छी बनाई है, आप लोगों को खिला नहीं सकते लेकिन बता सकते हैं, दिखा सकते हैं। वक्त जेब इजाज़त दे तो ये चीज़ यहाँ आके एक्सप्लोर ज़रूर करिएगा। मुझे अली भाई को, ज़ुबैर भाई का फ़ोन भी आ गया, हमें दे इजाज़त इस अपनेपन के साथ कि अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।